नमस्कार। डेट है आज की 10 जुलाई 2021, और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था टैट नॉन मेडिकल का पेपर। ये जो टैट नॉन मेडिकल का पेपर था ये मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। यहाँ पर पूछा गया है वेयर इज़ द नवाही देवी टेम्पल लोकेटेड। नवाही देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये सरका घाट में स्थित है। ऑप्शन बी सरका घाट जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 122। यहाँ पर पूछा गया है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश नरसिंह टिब्बा इज लोकेटेड। तो नरसिंह टिब्बा जो है वो कहाँ पर स्थित है? लेकिन नरसिंह टिब्बा कहाँ पर स्थित है? ये चंबा में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। प्रीवियसली जो क्वेश्चंस पूछे होते हैं वो भी हम डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे और आपको हेल्प यहाँ से मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, विच प्रिंसली कोर्ट वॉज निक्का पेंटर एसोसिएटेड। ये जो निक्का पेंटर था ये कौन से प्रिंसली स्टेट से एसोसिएट रखता था? तो निक्का कहाँ के पेंटर थे? ये चंबा के पेंटर थे। ऑप्शन ए चंबा जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, शायद आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा, परंतु यहाँ पर लिखा गया है कि मोहना जो फोक सॉन्ग है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता है? तो मोहना फोक सॉन्ग जो है वो बिलासपुर से संबंध रखता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है शिमला के निकट किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है? तो शिमला के स्थित जो गोल्फ कोर्स है वो नालदेहरा में स्थित है। नालदेहरा इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 126 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है अंकोरवाट का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? तो अंकोरवाट का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो अंकोरवाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया है। नेक्स्ट में पूछा गया है चोला डोरा आर पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेसेज ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग ट्राइब। तो ये चोला डोरा जो है ये ट्रेडिशनल ड्रेसेज हैं गद्दीज की। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा गया है विच इज नोन एज अजंता ऑफ हिमालय। तो अजंता और एलोरा, मैं कई बार बता चुका हूँ कि अजंता जो है वो ताबो को कहते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 यहाँ पर पूछा गया है विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो था वो क्या था? तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट था वो था नॉन वायलेंस। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 130 क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है वेयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च द हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह जो था वो चंपारण में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी चंपारण जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है इन विच स्टेट वॉज पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। तो पंचायती राज जो था वो सबसे पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था और कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी प्रीवियस पेपर्स में डिस्कस हुआ है। तो ऑप्शन बी राजस्थान में ये सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव जो था इनका असली नाम था। इनका वास्तविक नाम जो था इनका वो था ऑप्शन सी धनपत राय श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 hours 30 minutes, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्ट वाटर लेक। इनमें से कौन सी जो है वो सॉल्ट वाटर लेक जो है वो नहीं है? अगर सॉल्ट वाटर लेक की बात करें तो वुल्लर लेक जो है इसका सही आंसर होगा। वुल्लर लेक जो है वो सॉल्ट वाटर लेक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 135, यहाँ पर पूछा गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इज लोकेटेड एट। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो HSL की बात करें तो ये स्थित है विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, विशाखापट्टनम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच नेशनल हाईवे इज नोन एज शेरशाह सूरी मार्ग। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है? नेशनल हाईवे नंबर 1 ऑप्शन ए जो है उसका सही आंसर होगा। NH1 जो है इसका सही आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार ढंग से सुन लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, 137 में क्या पूछा गया है व्हाट इज द मोटो ऑफ NSS नेशनल सिविल सर्विसेज का जो मोटो है वो क्या है? तो नेशनल सिविल सर्विसेज का मोटो हमने गिरिराज पत्रिका में कई बार डिस्कस किया है। इसका मोटो है ऑप्शन ए नॉट मी बट यू, ये जो है इसका मोटो है। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर टेलीग्राम पर भी अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है हुज बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे इन इंडिया। तो किसकी जो जन्मदिन है उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन देखिए 139, यहाँ पर पूछा गया है नेम द लीडर हु वॉज किल्ड ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। तो उस नेता का नाम बताइए जिसकी मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हुई थी। तो ये थे लाला लाजपत राय, लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन का विरोध करते टाइम। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, व्हेन वॉज इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स। तो भारत के द्वारा सबसे पहली बार ओलंपिक खेलों में कब हिस्सा लिया गया था? तो 1900 AD 1900 ईस्वी में जो था वो भारत के द्वारा सबसे पहली बार हिस्सा लिया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 141 क्वेश्चन देखिए, इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सी अनुसूची है जहाँ पर भाषाओं की सूची मिलती है? तो देखिए भाषाओं की सूची शेड्यूल 8th में मिलती है। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि 12 शेड्यूल हैं और इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स भी मैंने आपको बताए थे, वहाँ से आपको हेल्प ज़रूर मिली होगी अगर आप कंटिन्यूसली वीडियोज़ देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 142, शायद आपको पहला क्वेश्चन ढंग से नजर ना आए। तो यहाँ पर लिखा गया है विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन, यहाँ पर लिखा गया है सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन वॉज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। तो WTO की स्थापना जो था वो कब हुई थी? WTO की स्थापना जो था वो 1995 में हुई थी। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑर्गेन ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रोल। तो ऐसे कौन सा अंग है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रोल बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लीवर। लीवर हेल्प करता है फैट्स को ब्रेक करने में और कोलेस्ट्रोल प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु प्रिजाइड्स ओवर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट सीटिंग होती है उसको कौन जो है उस बैठक की अध्यक्षता करता है? तो इसकी अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमोसफेयर इज। तो वायुमंडल में सबसे अधिक दुर्लभ गैस जो है वो कौन सी है? तो मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन एटमोसफेयर कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्गन जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आर्गन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, 147 में पूछा गया है द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज। तो ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है इसकी चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन जो है वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी जो है वो प्राइम मिनिस्टर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है नोटा ऑप्शन वॉज फर्स्ट यूज इन विच ईयर इन द इलेक्शन ऑफ इंडिया। तो नोटा यानी कि नन ऑफ द एव जो ऑप्शन दिया गया है इलेक्शन में जब वोट डालने जाते हैं तो ये ऑप्शन होता है, तो ये कौन से ईयर से दिया गया है? ये ऑप्शन बी 2009 जो है वो सही आंसर होगा, 2009 से दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच सिटी इज कॉल्ड एज। भारत की सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन यहाँ पर पूछा गया है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो सिलिकॉन घाटी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग। तो कसोल गर्म पानी का चश्मा जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? कसोल कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन सी कुल्लू जो है वो सही आंसर होगा। तो कसोल कुल्लू में स्थित है, ये पेपर हमने डिस्कस किया। अगर अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इन सभी पर हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफिशियल आंसर की आने पर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो एक बार जरूर चेक कर लें ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।